स्वागत है आप सभी का एसएस न्यूज में। मैं आपके साथ मुस्कान। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के शिक्षकों पर अत्याचार वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी तो 500 रुपए ही शिक्षकों को वेतन दिया जाता था, आज शिक्षकों को 50,000 रुपए वेतन मिल रहा है। शिवराज सरकार कर्मचारियों की हितैषी सरकार है, 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार थी लेकिन कमलनाथ जी ने वल्लभ भवन के 95 मंजिल से नीचे झाककर भी नहीं देखा जब बेटियां आंदोलन करती हुई मुंडन करा रही थी। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने वर्ल्ड फोटोग्राफर डे पर कहा कि मेरा हमेशा से मानना है कि किसी भी परिस्थिति में खबर को बनाने में रिपोर्टर या एंकर के साथ जो फोटोग्राफर बराबर का हकदार होता है और खबर की सराहना के समय हमेशा पर्दे के पीछे रहता है, सम्मान फोटोग्राफर का भी ज्यादा होना चाहिए। साथ ही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने वर्ल्ड फोटोग्राफर डे पर यहां पर मौजूद कैमरामैन को मिठाई खिलाकर उनका अभिनंदन भी किया। ट्वीट कर रहे हैं कि शिक्षकों पर लाठी मारी जा रही है, शिक्षकों को लाठी मित्र, ये दिग्विजय सिंह जी वो हैं जो इन शिक्षकों को 500 रुपया महीना देते थे और शिवराज सिंह जी की सरकार में उनको 50,000 रुपया महीना मिलता है। इनको कहां से हका गया ट्वीट करने का? ये कमलनाथ जी वो है जो 15 महीने शिक्षकों के लिए ऊपर वल्लभ भवन से झांक के नहीं देखा, नीचे वो पार्क में बैठी बेटियां मुंडन करा रही थी, इसीलिए अभी कल गो बैक के नारे लगे पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री। ये घड़ियालू आंसू है, ये शिवराज सिंह जी की सरकार है, जनहितैषी सरकार है, कर्मचारी हितैषी सरकार है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इनका सोच है। श्रम बराबर का करते हैं, समय बराबर का खर्च करते हैं, पर उतना सम्मान नहीं है। मैं पक्षधर हूं कि उनको सम्मान और अधिक मिलना चाहिए और इसलिए मैं उनका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं।